पटना सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सुरक्षा के तमाम दावे फेल नज़र आ रहे हैं। पीएमसीएच से एक बच्चे की चोरी हो गई है, वो भी तब जब अस्पताल के हर कोने कोने में सीसीटीवी से निगेबानी की जाती है। बता दें कि सीतामढ़ी ज़िले के हसनपुर गांव से आए दंपत्ति के साथ ये घटना घटी है। वहीं पीड़ित का कहना है कि हार्ट के इलाज के लिए पीएमसीएच में शनिवार को भर्ती हुए थे। आज पीड़िता ने बच्चे की नानी को 1.5 साल का बच्चा खिलाने के लिए दिया था, जिसके बाद एक अनजान महिला ने उसकी नानी से 1.5 साल के बच्चे को खिलाने के बहाने से लेकर पीएमसीएच से फरार हो गई। इस मामले की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। लोग इस मामले में टीओपी प्रभारी प्रवीण कुमार पर मदद नहीं करने का आरोप भी लगा रहे हैं। धन्यवाद। बोले बच्चा मिल जाएगा, हमारा बच्चा कब मिलेगा, हम कब दूध पिलाएंगे, हमारा सीना में दूध भरा हुआ है, हमारा बच्चा को भूख लगा हुआ, हमारा बच्चा बिस्कुट उस्कुट भी नहीं खाता है, सिर्फ हमारा दूध पीता था, गाय का भी दूध नहीं पीता है, कुछ भी खाता पीता नहीं है, थोड़ा सा दाल चावल खाता है, थोड़ा सा दाल चावल 2-3 कौर खाता है, नहीं तो नहीं खाते है, हमारा सिर्फ दूध पीता है, बिस्कुट उस्कुट नहीं खाता है।